मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहायशगाह में इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग के बाद की तस्वीर बता रही हैं कि जोश हाई है। इन तस्वीर में इंडिया इत्तेहाद के लीडरान चर्चा के बाद खुश दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में राहुल गांधी, शरद पवार, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, टीआर बालू, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सभी विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। बस यहाँ ममता की कमी है। चुनावी नतीजे आने से पहले की ये सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि इंडिया इत्तेहाद को जीत का पूरा भरोसा है। प्यार गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे, ये हमने आकलन किया। इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं। ध्यान मंगने वो गायब हो जाएंगे 4 तारीख को, और 4 तारीख को मंगल है, मंगल होने जा रहा है। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की होंगी, ये तो बाद में हम लोग तय करेंगे, लेकिन हम लोग एकदम जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है, वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। उनका फिल्म फर्स्ट फेज में फ्लॉप हो गया 400 का। जबकि जवाब में एनडीए इत्तेहाद की आज अहम मीटिंग होगी, जिसमें आगे की हिकमत अमली तय होगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा भी पूरे एतमाद से हैट्रिक लगाने का दम भर रहे हैं। सब जगह सब दूर लोग मोदी जी को चाहते हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर हैं। एग्जिट पोल को लेकर भी इंडिया इत्तेहाद ने बड़ा फैसला लेते हुए यू टर्न ले लिया है, यानी अब कांग्रेस समेत इंडिया इत्तेहाद के लीडरान एग्जिट पोल पर बीजेपी का सामना करेंगे, जबकि बीजेपी समेत एनडीए के लीडरान को पीएम मोदी के 400 पार के हदफ को पार करने पर पूरा भरोसा है। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस बार विजयश्री हासिल करे। इंडिया इत्तेहाद चुनाव के नतीजों के बाद कैसे जनता के बीच पहुँचता है, उसको लेकर भी गौर खोज कर चुकी है। खास बात यह है कि काउंटिंग खत्म होने या कहें सभी नतीजे आने तक तय हुआ है कि काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ना है, जबकि बाराबंकी, मुरादाबाद समेत कई सेंटर पर ईवीएम की सिक्योरिटी के लिए खुद लीडरान की टीम भी पहरा दे रही है। इंडिया इत्तेहाद ने इलेक्शन कमीशन से मिलने का भी वक्त मांगा है। दूसरी तरफ एनडीए भी चुनाव के नतीजों से पहले गौर खोज करने की तैयारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।